तो रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, क्या उसका दायरा अब बढ़ने वाला है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच होने वाली ये जंग महायुद्ध में तब्दील हो सकती है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया से जो खबर आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। व्हाइट हाउस की ओर से दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस पहुंच गए हैं और वो रूस की ओर से युद्ध में शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? क्या किम जोंग उन कराएगा महायुद्ध? क्या किम पुतिन की जुगलबंदी लाएगी महाप्रलय? रूस और यूक्रेन की जंग को करीब 3 साल होने वाले हैं। दोनों तरफ से भीषण प्रहार हो रहा है। यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो देश खड़े हैं, गोला बारूद विध्वंसक हथियार मुहैया करा रहे हैं। तो वहीं रूस को नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देश हथियारों से मदद कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के सैनिक लड़ेंगे पुतिन की जान। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन कब क्या फैसला कर ले, उनके देश को भी नहीं पता चलता। मिसाइल और हथियारों की सनक रखने वाले किम जोंग पर अब युद्ध लड़ने की सनक सवार हो गई है। तभी तो वो रूस के सपोर्ट में यूक्रेन के खिलाफ अपने सैनिक उतार रहा है। नॉर्थ कोरिया ने अब तक 3,000 सैनिक रूस को भेजे हैं। बताया जा रहा है कि दिसंबर तक कुल 10,000 सैनिक रूस भेजे जाने हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही खबर आई थी कि रूस में नॉर्थ कोरिया अपने सैनिक भेजेगा। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का पहला जत्था 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच रूस पहुंचा। बताया जा रहा है कि पहले जत्थे में 1500 नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस पहुंचे थे और अब 1500 और सैनिक किम ने रूस में भेजे हैं। जाहिर है अब तक नॉर्थ कोरिया के 3,000 सैनिक रूस पहुंच चुके हैं। जिस तरह से नॉर्थ कोरिया सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल हो रहा है, बताया जा रहा है कि एक उत्तर कोरियाई सैनिक को रूस की सेवा के लिए हर महीने करीब 2,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। नॉर्थ कोरिया के रूस पहुंचने के बारे में व्हाइट हाउस की ओर से भी जानकारी दी गई है और इसे एक बड़ा खतरा भी बताया गया है। हमने आकलन किया है कि अक्टूबर की शुरुआत से मध्य अक्टूबर के बीच उत्तर कोरिया ने कम से कम 3,000 सैनिकों को पूर्वी रूस में भेजा है। हमें अनुमान है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक जहाज के जरिए रूस पहुंचे हैं। इसके बाद इन सैनिकों को पूर्वी रूस में कई रूसी ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया, जहां इन सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही है। हमें अभी तक ये पता नहीं है कि अगर ये सैनिक अभी तक रूसी सैनिकों के साथ युद्ध में शामिल हुए हैं कि नहीं, लेकिन ये एक अत्यधिक चिंताजनक मामला है। बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को वहां ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि जानकार बताते हैं कि आधुनिक समझ अभी नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के पास उतनी नहीं है। वो मिसाइल दागने में माहिर हैं, राइफल चलाने में पारंगत हैं, लेकिन ड्रोन और रोबोटिक हथियार चलाने में फिसड्डी हैं। ऐसे में रूस उन्हें ये सारी ट्रेनिंग देगा। फिलहाल तो ट्रेनिंग के नाम पर नॉर्थ कोरिया के ये सैनिक रूस पहुंचे हैं, लेकिन अगर ये ट्रेनिंग के बाद रूस और यूक्रेन की जंग में कूदे तो खतरा बढ़ जाएगा और फिर ये जंग का दायरा और भी बढ़ सकता है। यूक्रेन के मुताबिक इन सोल्जर्स को बैटल में इस्तेमाल किया जाएगा और जो कर्स्क में रशिया
यूक्रेन को वापस धकेलने के लिए कोशिश कर रहा है वहां इस्तेमाल होंगे। अगर नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स यूक्रेन वहां के लड़ाई में हिस्सा लेते हैं, वो कैजुअल्टी भी होंगे, तो ये लड़ाई दो तरफा यूक्रेन और रशिया के बीच नहीं बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल हो जाएगी। अभी तक तो पर्दे के पीछे से रूस और यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा था, अमेरिका और उसके साथी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो वहीं रूस को भी अमेरिका के विरोधी देशों का साथ मिल रहा है। लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया सीधे तौर पर जंग में कूदा तो नेटो के देशों की भी यूक्रेन के सपोर्ट में उतरने की आशंका बढ़ जाएगी, और अगर नेटो के देशों के सैनिक जंग में उतरे तो सीधे तीसरे महायुद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। और दुनिया के बाकी देश इसी बात से डर रहे हैं कि कहीं नॉर्थ कोरिया की वजह से रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध महाजंग में न बदल जाए। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।